एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिली को देखते हैं जो कि मिरर में अपना चेहरा देखते हुए कहती है, बिल्कुल सही, मेरा फेस बिल्कुल परफेक्ट है, उस अकुच्छु को मेरे प्यार में गिराने के लिए काफी है। अब वो क्लास में आने के बाद हम लोगों को बताती है कि यमन एंड लिली अपने क्यूटनेस दिखाने आई थी और यहाँ पर हम लोग अकुच्छु को देखते हैं जो कि एकदम चमक रहा होता है, लिली बताती है। लेकिन अकुच्छु को देखकर खुद ही पिघल गई। अकुच्छु कहता है, क्या हुआ लिली, तुम बड़ी शांत बैठी हो, हम क्लासमेट्स हैं, राइट? ये सुनते ही लिली पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और बोलती है, ये क्या हो रहा है, मेरी टेक्निक मेरे पर ही बाउंस बैक कर रही है। यहाँ पर लिली सोच रही थी कि ये वही अकुच्छु है जो कि बहुत ही अजीब है, ये मुझे हरा नहीं सकता है। वो अकुच्छु से कहती है, ये देख रहे हो रिंग, इससे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करवा सकती हूँ। अकुच्छु कहता है, अरे अरे अब बस भी करो। और लिली इस टाइम पूरी तरह से गुस्सा हो गई थी। वो कह रही थी, क्या अकुच्छु ये क्या कह रहा है कि उसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकुच्छु कॉरिडोर से जा रहा था, तभी लिली भागती हुई आती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि हमारे सेंसेई कहाँ बैठे होंगे। वो यहाँ पर क्रीपी स्माइल करते हुए कहती है, अब ये मेरे जाल में जरूर फंसेगा, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रिक्स में से एक है। अब हम लोग देखते हैं कि इमेजिनरी जज वापस आ जाते हैं और कहते हैं, इतना बेहतरीन मुकाबला है। लेकिन अकुच्छु बहुत ही स्मूथ वे में कहता है, वो तुम्हें उस वाली क्लास में बैठे हुए मिल जाएंगे। लिली कहती है, क्या मेरी मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक यहाँ पर काम कैसे नहीं करी, ये क्या हो रहा है। वो यहाँ पर अकुच्छु को थैंक्स कहती है और कहती है कि हम लोग बाद में मिलेंगे। वो सोच रही थी, कहीं मेरी क्यूटनेस कम तो नहीं हो गई कि अब वो उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही। तभी कुछ लड़के यहाँ से लिली के पास से जा रहे थे और कहते हैं, देखो कितनी क्यूट है ना। लिली उन दोनों को देखकर हाय कहती है एंड वो दोनों तो यहाँ पे एम्बेरेस के मारे मरे जा रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में लिली अपने बाल बांधते हुए कहती है, ये मेरे रास्ते में आ रहे हैं। अब कुछ भी कहता है, बहुत ही बुरा होगा ना, अच्छा होगा अगर तुम उन्हें बांध लो। हम यहाँ पर इमेजिनरी वर्ल्ड में वापस से आ जाते हैं जहाँ पर लिली का हर एक मूव यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनली अकुच्छु डॉज कर रहा था। अब यहाँ पर लिली एक और ट्रिक ट्राई करती है लेकिन उससे अकुच्छु को कुछ हो ना हो हिरोटा तो बहुत खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में अकुच्छु तानिगावा के साथ बाहर जा रहा था और लिली सोचती है, मेरी ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही। अकुच्छु वहाँ से जाते हुए लिली से कहता है, तुम पोनी तेल बांध लो, अच्छी लगती हो। ये एक डायरेक्ट हिट था जो कि अकुच्छु ने मारा था। लिली कहती है, ये सही नहीं है, ये सारे पासे मेरे पर ही उल्टे पड़ रहे हैं। वो कहती है, अब बहुत हो गया, अब अकुच्छु ने मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। यहाँ पर लिली जहाँ से सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर दीवार पर भागते हुए जा रही थी और हम लोग देखते हैं उन्हीं स्टेयर्स पर से अकुच्छु भी नीचे जा रहा था। लिली एक बार में ही वहीं पर से जंप मारती है और कहती है, मेरा पैर स्लिप हो गया है। वो कह रही थी, ये मेरा अल्टीमेट मूव है और इससे कोई आज तक बच नहीं पाया है। जजिस कह रहे थे, देखकर लगता है कि अमाने लिली ने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया है। लेकिन यहाँ पे अकुच्छु जैसे लिली उसके पास आती है उसका हाथ पकड़ता है और बहुत ही स्मूथ स्माइल के साथ उसे यहाँ पर बचा लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना। अब एक बार फिर से लिली का ये मूव उसी पर बैकफायर कर जाता है। वो काफी एम्बेरेस्ड थी। अकुच्छु और उसका बॉक्सर कहते हैं, सेम गिसेपिटो मूव यूज करने से तो मुझे बार बार नहीं हराया जा सकता, कुछ नया लाओ। फिलहाल लिली यहाँ से जा रही थी तो अकुच्छु कहता है, एक सेकेंड। वो कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम अभी अभी यहाँ से स्टेयर्स पर से गिरी हो, तुम्हें नर्स के ऑफिस में जाना चाहिए। लिली नर्स के पास जाती है और अकुच्छु बाहर बैठकर सोचता है, मैंने तो आज कमाल ही कर दिया। वो यहाँ पे अपने चीफ को थैंक्स कहता है। उसके बाद हम अकुच्छु की चीफ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा काम लेकर बैठी थी और बता रही थी, मैं वक्त आने पर सेल्स डिपार्टमेंट की कोई वुमन या फिर स्कूल में बैठने वाली कोई नर्स जो कि बच्चों का इलाज करती हो और टाइम आने पर तो एक स्कूल की स्टूडेंट भी बन सकती हो। ये कॉस्प्ले करते हुए यहाँ पर उसकी एक एम्प्लॉय उसे देख लेती है और वो कहती है, आप कंटिन्यू रखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिलहाल लिली यहाँ पे नर्स की ऑफिस से वापस आ जाती है और कहती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर अकुच्छु पानी पी रहा था और लिली उसे बहुत ध्यान से देख रही थी तो अकुच्छु पूछता है, क्या तुम्हें पानी चाहिए। तो लिली शांति से अपना मुंह फेर देती है। अकुच्छु वहां से जाते हुए कहता है, मैं ले आ रहा हूँ तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा पानी। तो लिली कहती है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो उसी बोतल को उठाते हुए कहती है, मैं इसी में से पी लूंगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब
वो यहाँ पे अकुच्छू को देखते हैं जो कि हल्का सा ब्लश कर रहा था, और लिली कहती है शायद से मेरा प्लान कामयाब हो गया है। तभी अकुच्छू अपने मुंह पर हाथ रख कर कहता है, तुम इस तरह बातें क्यों करती हो, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए। अब अकुच्छू को इतना शाय देख कर लिली भी ब्लश करने लगती है और कहती है इसने तो मुझे भी एम्बेरेस कर दिया। अब वो सोच रही थी कि मैं इस बोतल से पानी पीऊं या नहीं, वो काफी शर्मा रही थी। लेकिन वो अकुच्छू को देखते हैं जो कि हंस रहा था, और जैसे वो इसका ही प्लान हो। तो लिली कहती है ओ ऐसी बात है, तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, अब तो मैं ये करूंगी। लेकिन कुछ सोच कर वो पानी वापस करते हुए कहती है मैं अपने लिए दूसरा खरीद लूंगी। तभी वो अपनी उस पावर से उस बोतल को ऊपर उछालती है और मिड एयर में ही बोतल को बीच में से काट देती है, जिसकी वजह से सारा पानी लिली के ऊपर गिर जाता है। और कुछ कहता है ये इसने क्यों किया, लिली कहती है अरे नहीं मैं तो पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ, मेरे कपड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तभी अकुत्सु अपना ब्लेजर उतार कर लिली के ऊपर रख देता है और कहता है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब लिली क्लासरूम में बैठकर एम्बेरेस के मारे मारी जा रही थी और कहती है मैं क्या करूँ। तभी उसके पास यूका आती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ। लिली कहती है तुम्हें लड़कों को हराने का कोई तरीका पता है। तो यूका उसके सामने फोन रखते हुए कहती है तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करती, इससे अकुत्सु पक्का पिघल जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अकुत्सु बोल रहा था कि क्या हम लोग आज डिमन हंट के लिए नहीं जाएंगे। तो लिली कहती है आज मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगी। अकुत्सु कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, क्या मतलब ये मेरे से अभी भी फाइट करना चाहती है और मुझे हराना चाहती है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। अब लिली अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और अकुत्सु जैसे ही इतना बड़ा अपार्टमेंट देखता है वो तो हैरान हो जाता है और कहता है मेरा अपार्टमेंट तो बस एक मंजिला ही है और वो भी बहुत ही छोटा है। वो उसके कमरे में बैठे हुए कहता है सच में लग रहा है कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। वो वियर्ड सा पोज करते हुए कहता है शायद मैं आज हार ही जाऊंगा, मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए। तभी लिली उसके पास आती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, एटलीस्ट मेरे कमरे में अजीबोगरीब पोज तो मत करो। अकुत्सु हंसते हुए कहता है कि ये फिर से अपनी क्यूटनेस को यूज करके मुझे हराना चाहती है। अकुत्सु कहता है तुम्हें और कुछ भी पहन लेना चाहिए, ऐसे घूमना सही बात नहीं है। तो लिली पीछे मुड़ते हुए कहती है मैंने ऑलरेडी पहना रखा है, बेवकूफ तुम्हें दिख नहीं रहा क्या। अब लिली यहाँ पर कुछ पास्ता बनाकर लाती है अकुत्सु के लिए और उसे सर्व करती है। इसको देखकर तो अकुत्सु की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई थी। लिली कहती है अब इतना नाटक मत करो। अकुत्सु कहता है भले ही ये देखने में काफी ज्यादा डिलीशियस हो लेकिन मुझे नहीं भूलना चाहिए कि इसे लिली ने बनाया है। वो उसे टेस्ट करता है और कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये सच में डिलीशियस है। लिली पीछे से कहती है क्या हुआ, तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना। फिलहाल अब पास्ता और नूडल्स से ही बनी हुई वो काफी सारी डिशेज लाती है। अकुत्सु पूछता है क्या तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्या यही वजह से तुम इन्हें इतना अच्छा बना रही हो। लिली कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं नूडल्स और पास्ता वीक में 4 बार खाती हूँ, ये मेरा डेली रूटीन है। तो अकुत्सु कहता है ये तो बहुत गलत है, तुम्हें एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो लिली कहती है ऐसी बात है क्या, तो ये बताओ तुम डेली क्या खाते हो, तुम्हारा रूटीन क्या है। अकुत्सु कहता है मुझे सोचने दो, मुझे शिमला मिर्च काफी पसंद है। लिली कहती है क्या शिमला मिर्च, यार कहना क्या चाहते हो। अकुत्सु कहता है शिमला मिर्च के साथ मीट हो या फिर आलू सब कुछ अच्छा लगता है। तो लिली हंसते हुए कहती है मैंने तो इससे बस डिश पूछी थी, इसने तो पूरी इंग्रेडिएंट्स ही बता दी। अकुत्सु कहता है अब बस भी करो। नेक्स्ट सीन में ये लोग डिनर कर लेते हैं और फिर कोई मूवी देखने का प्लान कर रहे थे। अकुत्सु कहता है ये वाली मूवी देखी जाए, ये मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो लिली मना करते हुए कहती है माफ करना लेकिन ये मैंने पहले ही देख ली है, कोई और मूवी चूज कर लो। वो कहती है मैं इसे नहीं देखने वाली, इसमें काफी ज्यादा बक्स है। अकुत्सु कहता है ओह ऐसी बात है, तो क्या तुम्हें बक्स पसंद नहीं, मैं समझ गया। फिलहाल इन दोनों की ये कॉमेडी वाली सीन ये दोनों बॉक्सर्स साथ में बैठकर देख रहे थे और कहते हैं पता नहीं इन लोगों के मैटर में हम लोग क्यों आ गए थे। अकुत्सु कह रहा था मुझे नहीं पता था कि इतनी बहस करने के बाद हम यहाँ पर लिली की ही फेवरेट मूवी देखेंगे।
वो लिली को देखता है जो कि बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ उस मूवी को देख रही थी। और कुछ कहता है, एक सेकंड, ये तो रोमांस वाली मूवी है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों लगी है? और कुछ एम्बेरेस हो रहा था और कहता है, ओ कम ऑन, इतनी भी ज्यादा चीजें एक मूवी में नहीं दिखानी चाहिए। वो लिली को देखता है जो कि एम्बेरेस होकर फैंटी से उस मूवी को देख रही थी। और कुछ कहता है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, मैं मूवी देखूंगा और चला जाऊंगा। वो नोटिस करता है कि लिली उसकी ओर देख रही थी। ये दोनों ही एम्बेरेस हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? लिली कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस टाइम देख रही थी क्योंकि तुम्हारी और ही घड़ी है ना। वो उठते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ पानी लेने, तुम मूवी एंजॉय करो। लेकिन जैसे ही वो जा रही थी, उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसकी वजह से वो गिर जाती है। अब इस सीन को ये दोनों बॉक्सर्स बैठकर एंजॉय कर रहे थे और कहते हैं, लगता है मेन सीन आ गया। और कुछ माफी मांगता है और कहता है, माफ कर देना, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं भी गिर गया। वो देखता है कि वो लिली के ऊपर गिरा हुआ है और कहता है, मेरी बॉडी काम क्यों नहीं कर रही है, मुझे इस टाइम इसके ऊपर से हट जाना चाहिए। ये दोनों ही वहां से मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी फोन का अलार्म बजता है जिससे ये दोनों ही चौंक जाते हैं। लिली कहती है, अरे माफ कर देना, ये मेरा ही अलार्म था। वो कहती है, क्या तुम मेरे ऊपर से हटना चाहोगे कि वही रहने का इरादा है? उसके बाद लिली का फिर से दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और ऊपर से अकुच्छू का भी सेम हालत हो रखा था। वो कहता है, शायद मुझे घर चलना चाहिए। अब उसके जाने के बाद लिली अपने बॉस से सब कुछ बताती है कि आज उसने क्या क्या किया। और मीटिंग खत्म करने के बाद वो सोच रही थी कि सच में उसने आज क्या क्या कर दिया और वो आज क्या क्या कर रही थी। अकुच्छू भी सोच रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता था उस टाइम, वहां पर वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तभी इन दोनों को रियलाइज होता है कि अरे नहीं, सही, हम दोनों को एक दूसरे के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।